तो हमने बताया था लॉग का ना दो ग्राफ होता है, ठीक है ना? याद है क्या क्या होता है? जैसे इंक्रीजिंग एक, डिक्रीजिंग। बिल्कुल, एक तो इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग होता है। जैसे y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस b है, ठीक है ना? बट जो भी अभी ज्वाइन कर रहा है थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना? तो इसमें अब इंक्रीजिंग कब बनता है? जब बेस क्या हो अपना ग्रेटर ग्रेटर देन देन वन वन या हो, जीरो। ठीक है हाँ ना? वन। केस फर्स्ट अपन क्या बोलेंगे, इफ बी ग्रेटर देन वन, तो अपना क्या बनेगा, इंक्रीजिंग जैसा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो लॉग का जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है ना? यस सर। तो ये सिमिलर सा ग्राफ किस किस का होगा? जैसे मैं बोल दू y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस 2, चाहे बोल दू लॉग x टू द बेस 3, मतलब जो वन से बड़ा हो बेस उसके लिए है, उस सबका जो ग्राफ होगा वो सिमिलर दिखेगा ऐसा। और आपको पता है जो लॉग वन जो होता है ना वो कितना होता है? अगर मैं बोलू लॉग वन टू द बेस 2 तो इसका वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। जीरो। यस सर यानी कि जीरो। एक्स के जगह पे आपने वन रखा तो उसका वैल्यू जीरो आया, तो यानी कि वन पे ये जीरो वैल्यू देगा। और हमने इसको बताया था ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने पे वाई इंक्रीज हो। एक्स वैल्यू इंक्रीज करने यस पे वाई सर। वैल्यू इंक्रीज हो, वाई बिल्कुल, यानी कि एक्स इंक्रीज करेगा तो भी इंक्रीज करेगा, वाई वाई भी इंक्रीज भी करेगा। इंक्रीज करेगा, ठीक है ना? क्लियर है सबको? सर तो इसमें देखो जो आपको पता है, क्या पता है आपको, जो वन से पहले, वन से पहले ही क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, नहीं? नेगेटिव। और वन के बाद का वैल्यू बताओ क्या है, पॉजिटिव है। यस सर। यस सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब सोचो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है क्या वो पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस से नीचे जो होता है क्या वो निगेटिव होता है? हाँ सर। यस सर। तो उसी के बेसिस पे तो बोल रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे लॉग एक्स टू द बेस बी, जिसमें बी अपना क्या है, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन। हाँ कह सकते हैं जो ये जो इसका जो वैल्यू होगा ये निगेटिव होगा कब, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन। और जीरो कब होगा, इफ नेक्स्ट एक्स क्वेश्चन। इक्वल्स टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, वन। वन, सॉरी, एक्स इक्वल्स टू वन। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब आप क्या बोलोगे, इफ एक्स ग्रेटर देन वन, ऐसा बोलोगे, यस। चलेगा? अब तक बताओ किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। अगर एक पॉइंट इसमें अपने को ध्यान रखना है जो पूरे मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कैलकुलस में यूज होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर कोई फंक्शन अपना इंक्रीजिंग हो, ठीक है ना? यहाँ पे जैसे मैंने बोला जो एफ एक्स जो है ना अपना इंक्रीजिंग है, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स लिखा हुआ है, ये इंक्रीजिंग हो, तो इसमें अगर मैं बोलूँ इफ एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, ठीक है ना? सर तो आप बोलोगे एक्स टू ग्रेटर देन एक्स बिल्कुल देन एफ एक्स टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन एफ एक्स वन। चलो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू लगा देते हैं, अगर इक्वल भी होगा तो दोनों इक्वल होगा, चलेगा? तो ये यस सर। आपको ध्यान रखना है। तो क्या आप इसमें बोल सकते हो, जैसे हमने एक्स वन बोला यहाँ पे, ये एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो आपको दिख रहा होगा जो एक्स वन पे जो वैल्यू मिल रहा है और एक्स टू पे जो मिल रहा है, क्या एक्स टू पे ज्यादा मिल रहा है अपने को, यस सर। यस सर। यस सर। आउटपुट ज्यादा है ना? ये देखो यहाँ पे ये लॉग एक्स वन टू द बेस बी है और ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा, इसको बड़ा कर लो तो ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो, चलो ये अपने को मिल गया। बहुत सारा बच्चा लेट से क्यों ज्वाइन कर रहा है, लेट से ज्वाइन नहीं करोगे, टाइम पे ज्वाइन करना है। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं जो अगर एक्स टू बड़ा है एक्स वन से तो लॉग एक्स टू भी बड़ा होगा लॉग एक्स वन से, जब बेस क्या हो अपना वन से बड़ा हो, ऐसा बोलोगे? यस सर।
इफ बी ग्रेटर देन वन और आपने बोला x2 ग्रेटर देन x1, तो अपन कह सकते हैं log x2 टू द बेस b ग्रेटर देन log x1 टू द बेस b, ऐसा बोलोगे? यस सर। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग के लिए जब बेस अपना वन से बड़ा हो। अब एक ग्राफ और आएगा किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए। केस टू, इसे बोलेंगे इफ बेस ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो इस टाइप का होता है, ठीक है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1,0, ठीक है? ये भी ग्राफ है y इक्वल्स टू log x टू द बेस b, लेकिन बेस इसका 1 से छोटा है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसको आप बोलते हो सर ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पहचानते हैं अपन? x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y वैल्यू डिक्रीज होगी। बिल्कुल, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या आपको दिख रहा है? देखो अगर मैं बोलू x टेंडिंग टू 0, मतलब 0 से जस्ट बड़ा, एक चीज इसमें ध्यान देते हैं, अगर x टेंडिंग टू 0 है तो क्या इस log का जो वैल्यू है, यानी कि log x टू द बेस b जो है, क्या ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है? यस सर, ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो log 1 टू द बेस b, ये भी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और 1 के आगे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है? यस सर, नेगेटिव दे रहा है। कैसे दे रहा है? क्योंकि अपन देख पा रहे हैं जो ये एक्स एक्सिस के नीचे है, नहीं नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव है, ठीक है ना? हाँ सर, वो इन्फिनिटी वाला नहीं आया, इन्फिनिटी वाला। अब सोचो, हाँ देखो अगर एक्स अपन बोलेंगे जीरो की तरफ टेंड कर रहे, तो देखो तो ये ऊपर में कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ है। देखो y एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है, मान के चलो ऐसा बोल देते हैं अपन। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर x अप्रोचिंग टू 0 हो, यानी कि 0 प्लस टाइप का कुछ हो, तो क्या उस log का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा जब बेस अपना 1 से छोटा हो? ऐसा बोलोगे? यस सर, ऐसा बोलोगे। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो तो अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो क्या अपन कहेंगे यहां पे, अगर If x tending to 0, तो क्या log x to the base b जो है, क्या ये minus infinity को tend करेगा? Minus infinity, yes sir। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। और इसमें आप कह सकते हो अगर x अपना infinity को tend कर रहा है, if x tending to infinity, तो log x to the base b जो है ये भी क्या करेगा, infinity को tend करेगा। देखो ये ग्राफ जो है पूरा ऊपर चला गया इन्फिनिटी की तरफ। अगर x इन्फिनिटी होगा तो log x टू द बेस b जो होगा वो भी इन्फिनिटी होगा। यस सर, यस सर होगा। ये सोचो ऐसे करके बढ़ गया। अब इसमें बताओ, और दूसरा वाला जो था डिक्रीजिंग वाला, उसमें क्या बोलोगे अगर x tending to infinity हो? तो सर minus infinity हो जाएगा वो। x tending to infinity हो, बिल्कुल log x to the base b जो होगा ये minus infinity को tend करेगा। क्लियर है? अब बताओ ग्राफ में और कोई दिक्कत है तुम्हें तो बता दो। तो ये बता दीजिए जब x zero होगा तब infinity कैसे हो रहा है? x exact zero नाम का तो कुछ exist ही नहीं करेगा इसमें, क्योंकि अपन बोलते हैं जो argument अपना greater than zero हो, हमने इसीलिए जीरो बोला है। इसको आप जीरो प्लस बोल सकते हो। चलो एक्स अगर अपना जीरो से जस्ट बड़ा हो, जस्ट बड़ा नाम का कुछ नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे इन्फिनिटी भी कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, ठीक है ना? तो अपन
कह सकते हैं अगर x टेंडिंग टू जीरो प्लस हो तो जीरो प्लस पे ये ग्राफ देखो क्या ऊपर है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अरे इस ग्राफ को देखना है, ये वाला क्या ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है? Yes, sir. इसीलिए अपन ने बोल दिया यहाँ पे log x to the base b जो है ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो आप दो बातें बोलोगे, कौन कौन सी? जो एफ एक्स इक्वल्स टू log x to the base b, ठीक है ना, इफ b greater than 0 और less than 1 हो। तो बताओ ये पॉजिटिव होगा कब? इफ यहां पे x क्या बोलोगे, greater than 0 और less than 1, और ये 0 होगा जब x equals to क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और ये निगेटिव होगा जब अपना x क्या हो, greater than 1 हो। और आपने बोला था जो अगर सर बेस जो है अपना ग्रेटर देन वन हो तो मामला उल्टा हो जाता है, नहीं? यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस बी जो है ये निगेटिव हो जाएगा किसके लिए, जीरो टू वन के लिए, और जीरो होगा एक्स इक्वल्स टू वन के लिए, और पॉजिटिव होगा इफ एक्स ग्रेटर देन वन हो। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सर हाँ बताइए, ये ग्राफ बनते कैसे हैं जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ सर हैं? हाँ हाँ, ये देखो ये कैसे बनता होगा आप ही सोचो, क्या इनपुट हाँ वैल्यू रखते होंगे उस पे जो आउटपुट आता होगा, ऐसे पॉइंट सबको इकट्ठा करके मिलाते होंगे तो एक ग्राफ बनता होगा। और ये देखो फंडामेंटल फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शन, तो एलिमेंट्री फंक्शन जो है ना उसको अपने को याद रखना पड़ता है उसका ग्राफ। अब बोलोगे साइन एक्स का ग्राफ क्यों ऐसा लिख दिए, ठीक है ना, तो इन सब फंक्शन का अपने को ग्राफ याद ही करना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास, ठीक है? यस यस सर। चलो क्वेश्चन करो, तो समझ में सबको आया होगा उम्मीद है। विच इज ग्रेटर, पहला लॉग 2 प्लस 5 टू द बेस 3 और लॉग 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग 5 टू द बेस 3, इन दोनों में बताना है कौन ग्रेटर होगा। सो सेकंड वाला, लॉग ई अपॉन पाई टू द बेस 5 और लॉग ई अपॉन पाई टू द बेस 7 सी लॉग 3 टू द बेस 2 और log 2 टू द बेस 3। तो कई सारा बच्चा बोला जो पहला वाला जो है ना उसमें सेकेंड वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि आप इसको लिखोगे ये क्या होगा log 7 टू द बेस 3 होगा, और इसको इसको क्या लिखोगे, क्या ये log सर 10 टू द बेस 3 सर, सेकेंड वाले में बेस 5 वाला ज्यादा ग्रेटर होगा, देखते हैं। सेकंड वाले बेस 5 वाला, बेस 5 वाला ग्रेटर होगा। चलो इसमें सबको समझ में आया क्या, जो यहाँ पे बेस क्या है सेम है, तो बेस सेम है तो क्या अपन कह सकते हैं जो जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा, क्योंकि बेस अपना 1 से बड़ा है इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो जिसका आर्गुमेंट बड़ा होगा क्या उसका वैल्यू भी बड़ा होगा? हाँ सर, ऐसा देख लो एक सेकेंड, आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैंने बोला y इक्वल्स टू log
x टू द बेस 3, अगर इसका ग्राफ बनाओ तो क्या ये इंक्रीजिंग वाला बनेगा? yes. और यहाँ पे 1,0 है और देखो आपके पास इनपुट 7 और 10 है, तो मैंने बोला जो 7 यहाँ पे होगा मान के चलो और 10 यहाँ पे होगा, तो देखो तो किस पे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है अपने को? 10 पे. 10 पे. 10 पे मिल रहा है. 7 पे चलो ये मिला और 10 पे अपन बोलेंगे ये वाला. तो क्या आप कह पा रहे हो जो log 10 टू द बेस 3 ये बड़ा होगा log 7 टू द बेस 3 से? यस सर. सबको समझ में आया? यस सर. चलो अब सेकेंड वाले के बारे में सोचो. इसमें क्या है जो आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है? नहीं. यस. आर्ग्यूमेंट देखो ये सेम है और बेस अलग है. तो देखो अपना अगर आर्ग्यूमेंट ऐसा होता 1 से बड़ा होता, ठीक है, अगर 1 से बड़ा होता तो क्या अपन कह पाते जो डायरेक्ट बोल देते अगर पाई अपॉन ई होता और दोनों पाई अपॉन ई होता तो जो दोनों का ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा होगा? छोड़ो कंफ्यूज ना कर जाओ, पहले ऐसे समझ लेते हैं उसके बाद ग्राफ से भी बता देंगे. यहाँ पे देखो सर दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं नहीं इक्वल नहीं होंगे. थोड़ा बड़ा सर, बात सर. हाँ हाँ बोलो बोलो सर. इसको अगर हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरम से सर ई अपॉन पाई को बेस इक्वल कर दें तो सर सर उसका आर्गुमेंट 1 का 5 होगा 1 का 7 होगा, तो सर रेसिप्रोकल में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो सर 5 वाला बड़ा होगा 7 से. चलो देखते हैं. एक चीज आप ऐसे सोचो, अगर यहाँ पे 8 रखूं और यहाँ पे बेस में 2 रखूं, ठीक है ना, और यहाँ पे लॉग यहाँ पे 8 रखूं और यहाँ पे 3 रखूं, तो बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? आपको पता है, आप बोलोगे 2 to the power 3 और यहाँ पे 2, तो ये क्या आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा. और सोचो क्या ये 8 जो है वो तो 9 से भी छोटा है? क्या अपन कह सकते हैं जो ये जो होगा लेस देन 2 होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. अब मुझे एक चीज और बताओ, अगर लॉग यहाँ पे मैं बोल दूं 1/2 और यहाँ पे बेस में 2 बोल दूं और यहाँ पे लॉग और ये 1/2 टू द बेस में 3 बोल दूं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताओ. तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं लॉग 2 to the power minus 1 टू द बेस 2 और इसको बोल दोगे लॉग और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to the power minus 1 टू द बेस 3, ऐसा बोलोगे? yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा. yes, sir. और ये देखो कितना आ जाएगा, आप लिखोगे माइनस बाहर कर लेते हैं सर और यहाँ पे 2 to the base 3 हो जाएगा. अब सोचो ये 2 to the base 3, आप माइनस को भूल जाओ एक मिनट के लिए. अब मैं अगर इसके बारे में पूछूं तो क्या आप कहोगे ये तो 1 से छोटा होगा? पॉइंट में क्योंकि हाँ सर 1 से छोटा होगा. 1 तो 3 पे देगा क्योंकि आपको पता है ना log 3 to the base 3 जो है ये 1 होगा. ये 1 होगा सर. तो 1 और लेकिन अगर log 2 to the base 3 है तो क्या ये 1 से छोटा होगा? यस सर. सर जब ये 1 से छोटा होगा यानी कि लेस देन 1 बोल दें तो क्या अपन कह सकते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव में अगर मैग्नीट्यूड जिसका छोटा होता है एक्चुअली वो बड़ा होता है. यस सर. तो क्या अपन कहेंगे ये बड़ा होगा? यस सर. यस सर. क्लियर है? तो यहां से आप देखो अगर अपना आर्ग्यूमेंट जो है ना अगर 1 से बड़ा हो जाए, ठीक है ना, इसको नोट कर लें अच्छे से, तो बाद में क्या होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना है और टिक मारना है. एक सेकंड. तो यहां से बड़ा होगा. हाँ उसको देख लेते हैं, पहले इससे बात कर लेते हैं. बिल्कुल अब तो सिंपल सा हो गया ना. एक सेकंड.
देखो अपन थ्योरी एग्जाम्पल से बना रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो अगर मैं बोला लॉग और आर्ग्यूमेंट के जगह पे अगर ए लिख देते हैं और बेस सोचो दो लॉग है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ए है और इसका बेस जो है ना ये बी वन बोल देते हैं और इसका बेस बी टू है, और हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है जो बेस अपना क्या है ग्रेटर देन वन है, मतलब बी वन एंड एंड बी टू आर ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। बी वन और बी टू ग्रेटर देन वन है, आप एग्जाम्पल के लिए साथ में लेके चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं इस टाइप का बात कर रहा हूँ लॉग, जैसे यहाँ पे ऊपर में आपने लिखा था ना एट और टू और थ्री, तो सोचो यहाँ पे एट रख लो, यहाँ पे टू रख दो और यहाँ पे एट रख लो और यहाँ पे थ्री, और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी लिख देना चाह रहा हूँ एंड ए इज ग्रेटर देन वन, हाँ ए ग्रेटर देन वन है। अगर ये तीनों बातें हो तो क्या अपन कह सकते हैं जो इसमें ये बड़ा होगा, और इसमें आपको बोला गया है जो B1 जो है ना वो लेस देन है B2 के, तो जिसका बेस छोटा होगा क्या उसका वैल्यू बड़ा होगा? यस सर, यस सर। हाँ देखो कंफ्यूज नहीं करना है, एक बार सीखना है फिर से। हमने बोला आर्ग्यूमेंट क्या है दोनों का सेम है, और आर्ग्यूमेंट जो है वो अपना वन से बड़ा होना चाहिए, तो वन से बड़ा है एट है, ठीक है ना। अब जैसे बेस जो है ना, बेस भी अपना क्या है वन से बड़ा है, तो अब जो बेस वन से बड़ा है और जिसका बेस छोटा होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, क्या ऐसा बोलोगे? यस सर। ऊपर में पूरा सब कुछ करके देख लिए यहाँ पे समझाने के लिए। अब इसमें दूसरा आप क्या बोल सकते हो, ये बहुतों को समझ में नहीं आया होगा ना? आ गया सर, आ गया सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। ये सर log 8 टू द बेस 3 से ये कैसे सर छोटा हो जा रहा है, कैसे छोटा हो जा रहा है? तो अब 8 और इसमें कंपेयर कर लो, और 9 में 9 बड़ा है, बोलो। यस सर। ठीक है। अगर इसमें अगर log अपन जिसका बेस 3 है दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं तो इनक्वालिटी का साइन तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसा बोलोगे? तो देखो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, क्या ये 2 के इक्वल आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 है। यस सर। तो जब ये 2 से छोटा होगा तो 3 से तो छोटा होगा ही ना, बोलो। यस सर। तो बस इसी बेसिस पे तो अपन बोल रहे। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ लॉग टू बेस थ्री की वैल्यू वन से छोटी होगी ना, लॉग टू बेस थ्री हाँ वन से छोटी होगी क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट और बेस अगर इक्वल होता है तो उसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। यस सर। हाँ अब सोच। हाँ बोलो सर, इसमें आर्गुमेंट डिफरेंट तो कैसे करेंगे? पहले तो अपन आर्गुमेंट सेम के बारे में बात कर लेते हैं ना, डिफरेंट तो और भी सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो दूसरा और क्या हो सकता है, जो बेस जो है ना वो वन से छोटा हो जाए। यहाँ पे तुमने कंसीडर किया ना जो बेस वन जो है और बेस टू जो है, यानी कि बी वन बी टू जो है वो ग्रेटर देन वन है, बेस वन से छोटा नहीं हो सकता। अगर बेस अपना वन से छोटा हो जाए, If base less than one हो जाए, और greater than zero तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इस टाइप का हो। सॉरी हमने अभी अपन बेस वन से छोटा के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके बारे में भी बात करेंगे।
अभी बस आर्ग्यूमेंट को वन से छोटा बनाना था, नहीं इफ हाँ बेस ग्रेटर देन वन है, यानी कि बी वन भी ग्रेटर देन वन है और बी टू भी ग्रेटर देन वन है, और अपना आर्ग्यूमेंट जो है ना वो अपना लेस देन वन है, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर में बात किया है किसके बारे में, लॉग वन अपॉन टू टू द बेस टू, वन अपॉन टू टू द बेस टू और लॉग वन अपॉन टू टू द बेस थ्री, इसमें किसका वैल्यू बड़ा होगा? लॉग वन अपॉन टू टू द बेस थ्री, यहाँ पे देखें एक का वैल्यू माइनस वन आ रहा है और एक का लेस देन क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। हाँ ये लेस देन वन आ रहा है तो साथ में माइनस लगा दो तो पॉइंट में आ रहा है, ऐसा हो रहा है? यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो इसमें अपन कह सकते हैं जो अगर लॉग ए टू द बेस बी वन है और लॉग ए टू द बेस बी टू है तो किसका वैल्यू बड़ा बोलोगे, जिसका बेस क्या हो बड़ा हो। इसमें इनक्वालिटी का साइन चेंज कर गया क्या? यस सर, नेगेटिव। यस सर, इसमें चेंज हुआ है, इसमें चेंज हो गया। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। तो अब इसमें बताओ अगर ये वन से छोटा है तो किसका वैल्यू बड़ा होगा? सेवन वाली, सेवन वाली, सेवन, तो ये बड़ा होगा, नहीं चलेगा? यस सर, यस सर। किसको किसको समझ में आया है, सही सही ईमानदारी से बताना। सर आ गया सर, आ गया सर, यस सर, सबको आ गया, किसी सर, को एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो बोलो सर। अगर लॉग सर अगर लॉग नाइन बेस टू होगा या सॉरी लॉग टू बेस नाइन सर, इसकी वैल्यू सर जीरो से छोटी होगी कि बड़ी होगी? log 9 to the base 2, नहीं सर इसका रेसिप्रोकल सर, log 2 to the base 9। हाँ तो इसका वैल्यू जीरो से छोटा होगा ना सर। अब ये सोचो अगर log 1 to the base 9 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा? यस सर होगा। तो अपन तो कह सकते हैं ना log 2 to the base 9 जो होगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा। जी सर, ऐसा बोलोगे ना? हाँ सर, हाँ सर, समझ में। कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो, थोड़ा जो आपने लास्ट में बताया वो नहीं लास्ट में बताइए, उसने पूछा था वो नहीं आया? नो सर। ओके ओके ठीक है, सीखेंगे। अरे देखो अगर बेस अपना वन से बड़ा हो तो उसका ग्राफ आपने कैसा बनाया था? कोई नहीं, स्टार्टिंग है, अपन थोड़ा स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा क्लास कर लेंगे और क्या। यहाँ पे 1,0 है, ये किसके लिए है? क्या ये y equals to log x to the base b और b greater than 1 के लिए है? Yes, sir. Increasing yes, sir. है। तो उस बच्चे ने पूछा जो सर log 2 to the base 9 जो है ना, क्या ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो आप सोचो ना, जब 1 पे यानी कि log 1 टू द बेस 9 जो है ये आपका जीरो हो रहा है तो 2 तो यहाँ होगा ना कहीं, जीरो तो 2 पे क्या ये पॉजिटिव नहीं देगा? तो 2 पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। यस सर, ग्रेटर देन जीरो होगा, समझ पा रहे हो? चलो तो मुझे एक चीज दूसरा सोचो, अगर ये डिक्रीजिंग होता, डिक्रीजिंग यानी कि जिसका बेस क्या होता है, वन से छोटा होता है, नहीं यानी कि ये जो है वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस बी वाला है और इसका बेस जो है वो लेस देन वन है, यानी कि आप सोच लो वाई इक्वल्स टू लॉग यहाँ पे एक्स टू द बेस वन अपॉन टू टाइप का ग्राफ है, या बेस वन से छोटा है तो डिक्रीजिंग बनेगा। अगर बच्चा ये तब पूछता है सर आप बता दो इसका वैल्यू क्या होता, टू टू द बेस वन अपॉन टू इसका वैल्यू क्या होता, पॉजिटिव होता या निगेटिव होता? नेगेटिव।
नेगेटिव होता, क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है जो वन पे क्या होगा, जीरो होगा, और ये टू क्या होगा, वन के राइट साइड में होगा, तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये नेगेटिव होगा। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब वापस लौटते हैं क्वेश्चन पे। इसके बारे में बताओ जो कौन बड़ा होगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, बेस से बड़ा है नहीं बड़ा। अगर बेस के इक्वल होता तो अपन बोलते वन आता उसका वैल्यू, लेकिन अगर बेस से बड़ा है तो क्या ग्रेटर देन वन होगा ये? यस सर। ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। और इसके बारे में बता दो, और ये क्या होगा, लेस देन वन होगा। लेस देन वन, लेस देन वन। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप उसका आंसर देना। एक सेकेंड, हाँ चलो इसके बारे में बताओ पहले। पहला वाला पॉजिटिव होगा, सोच लो एक बार, आंसर लिख लो सब। यस सर, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन। ओके, सेकंड वाला भी सर पॉजिटिव। तो सेकंड वाला नेगेटिव होगा, सेकंड वाला नेगेटिव होगा सर, माइनस लॉग टू टू द बेस नेगेटिव होगा। यस सर, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे। पॉजिटिव होगा सर, फोर्थ वाला भी पॉजिटिव होगा, फिफ्थ वाला सर पॉजिटिव होगा, सिक्स वाला सर ठीक है। चलो इसमें अपन बात करेंगे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, बहुत सिंपल सा है। तो इसमें देखो जो ये क्या है, बेस क्या है इसका, होगा पहले वाले का, सिक्स वाला भी पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो तो ये रूट थ्री जो है क्या ये वन से बड़ा है, बेस यानी कि वन से बड़ा है। यस सर। यस सर। ठीक है, और सब क्या सो रहे हो क्या? जग रहे। हाँ, कुछ ही बच्चे का रिप्लाई आता है, पता है पांच छह बच्चे हो तुम लोग जो बोलते रहते हो जो हाँ सर ये समझ में आया, ये इसका आंसर ये होगा। तो इसमें देखो बेस क्या है, वन से बड़ा है, और रूट टू जो है, रूट टू कहाँ होगा, क्या रूट टू वन होगा, सॉरी रूट टू जो यहाँ होगा वन से राइट साइड में, वन से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या अपन कह सकते हैं जो ये पॉजिटिव होगा? हाँ बिल्कुल। इसके बारे में बताओ इसका जो ग्राफ होगा वो कौन सा वाला होगा, सेकंड वाला होगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड वाला होगा। अब सोचो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो टू है, तो टू कहाँ, यहाँ पे होगा। यस सर, नेगेटिव होगा। ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यस सर। Yes, तो sir. ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले के बारे में सोचो, थर्ड वाला का जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा, डिक्रीजिंग। थर्ड का जो ग्राफ होगा क्या वो सेकंड वाला होगा? यस सर, डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें सोचो जो ये जो पॉइंट है यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है वन अपॉन फाइव है,
तो 1 अपॉन 5 कहां होगा? 1 से पहले होगा, यहां पे होगा पॉजिटिव। तो 1 अपॉन 5 पे क्या ये पॉजिटिव देगा? पॉजिटिव। यस सर, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया। चलो मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, और सब तुम लोग देख लो आगे का, सॉल्व करो, और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो शैलेंद्र। यस सर। ये फोर्थ वाला बताओ क्या होगा इसका? सर पॉजिटिव होगा सर, ये फर्स्ट इसका इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। बिल्कुल इंक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि बेस इसका क्या है? 3 है, यानी कि 1 से बड़ा है। यस सर। तो इस टाइप का पहला वाला ग्राफ जैसा बनेगा, 4 कहां यहां पे लो, ले लो, तो ये तो पॉजिटिव होगा नहीं? यस सर। यस। चलो अब आगे पूछा जाए। उज्जवल पाल। यस सर। हाँ चलो, ये फिफ्थ के बारे में बताओ क्या होगा फिफ्थ का? सर पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर इसका बेस ग्रेटर देन 1 है, एंड इसका आर्गुमेंट भी सर ग्रेटर देन 1 है, तो सर पॉजिटिव है। ऐसा ग्राफ सर इंक्रीजिंग होगा, इसलिए सर पॉजिटिव हो जाएगा ये। ओके, तो ये पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे, चलो पुष्कर। हेलो। यस सर। इसके बारे में बताओ, सिक्स्थ के बारे में बताओ। सर मैंने पुरानी क्लासेस नहीं करी है। ये तो आज की क्लास क्या है ना, इसे पुराना कुछ है ही नहीं। आज जो अभी जस्ट पढ़े हैं, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, 2 ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें अपने को बताना है जो किस ग्राफ पे बेस्ड होगा और कहाँ क्या होगा नहीं होगा। मुझे सही से समझ नहीं आ रहा है सर, पुरानी क्लास करके सर पूरा तब समझूंगा। पुरानी क्लास का कुछ यूज है क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। चलो आलोक बताओ तुम। मैं बताऊं सर? नहीं, तो मैं बताऊं। आलोक। हेलो आलोक। हाँ चलो आलोक तुम बताओ इसका क्या होगा सिक्स्थ का? पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा? पहला वाला होगा, क्योंकि बेस इसका क्या है? यस सर। ये 1 से बड़ा है तो, और लेकिन आर्गुमेंट जो है क्या ये लेस देन क्या है? 1 है। यस सर, लेस देन 1 है। यस सर, लेस देन 1 है सर। लेस देन 1 है, यानी कि ये इधर होगा कहीं पे, यहाँ पे होगा √7-2। तो इस पे देखो तो ये तो नेगेटिव मिल रहा है ना? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। चलो सेवेंथ वाला कौन बताएगा? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा सर। रैशनलाइज करेंगे तो पॉजिटिव आएगा करने के बाद सर। यस सर। ओके सर, डिक्रीजिंग ग्राफ है ना ये तो? रीतिका। अरे एट वाला नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव। हेलो रीतिका। हाँ इसके बारे में बताओ, सेवेंथ के बारे में कैसे सोचेंगे? सर बेस बड़ा है 1 से, तो पहले ग्राफ पे जाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद सर ये √2+1/√2-1 है। सर इसका मुझे नहीं आ रहा, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे तो इसको रेशनलाइज करो ना, तो क्या हो जाएगा? √2+1 और नीचे में क्या है? √2-1। तो मल्टीप्लाई कर दो, √2+1 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, रेशनलाइज का प्रोसेस। तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर आएगा 3+√2। ठीक है, तो अब सोचो ये क्या 1 से बड़ा है? यस सर। तो 1 से बड़ा है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस सर। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। चलो चलो जानवी। पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव होगा सर। 8 नेगेटिव होगा। ओके ओके, मैं पूछ रहा हूं। 8 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। हेलो जानवी, इससे नहीं पूछा सर आपने? नेगेटिव। नेगेटिव पूछेंगे। पूछेंगे हेलो जानवी। यस सर।
हाँ इसके बारे में बताओ, ये एट्थ वाला जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कैसे पता करें? सर बेस वन से ग्रेटर है तो सर पॉजिटिव होगा, पर सर आर्ग्यूमेंट को सिंपलीफाई करना पड़ेगा सर, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बेस वन से बड़ा होगा तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करेगा ना सर, तो आर्ग्यूमेंट को कैसे सिंपलीफाई करें? सोचो। पारस बताओ। यस सर, सर पॉजिटिव होगा सर, ये पॉजिटिव होगा, कैसे होगा? यस सर, इसको सिंपलीफाई करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी सर, इसलिए पॉजिटिव होगा। सोच लो अच्छे से। और इसका वैल्यू जो है वन से कम आएगा, क्योंकि ये जो थ्री टू द पावर वन अपॉन फोर वन अपॉन थ्री होता है ना, इसका वैल्यू 1.44 समथिंग होता है, नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, और 1.44 समथिंग इनटू टू करोगे और अपॉन थ्री करोगे तो क्या ये लेस देन वन होगा? यस सर। जब ये लेस देन वन होगा, चलिए एक और बार समझा दीजिए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, खाली सॉल्विंग थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसलिए। हाँ चलो, ये 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 जो है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, 1.44 समथिंग होता है। अब सोचो 1.44 समथिंग में अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे अपन 3 से, तो क्या 1 से छोटा होगा वो? यस सर। 1.5 होना चाहिए 1.44 की जगह। ठीक है, तो अगर ये अपना 1 से छोटा है और बेस अपना 3 है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो क्या ये फर्स्ट ग्राफ के पास पहुंचोगे? यस सर। तो क्या ये अपन बोलेंगे ये नेगेटिव होगा? यस सर। यस सर। चलो अर्णव मोहन, थ्री रूट थ्री लिखा। यस सर, को लगा थ्री रूट थ्री लिखा है वो वाला, एट्थ वाला सर। नाइन्थ वाला सर नेगेटिव होगा, क्यूब रूट था सर। नाइन्थ वाला नेगेटिव होगा, नाइन्थ वाला साफ साफ नेगेटिव होगा। यस सर, यस सर, नेगेटिव होगा सर, साफ साफ। तो काफी इजी था इसका, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? और इस वाले लॉग को जो है वो लेस देन वन मिलेगा तो वो क्या देगा? नेगेटिव देगा। नेगेटिव। यस सर। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो अभी बहुत तरह और दीजिए, नाइन्थ वाला और बता दे। सोचो, देखो हाँ इजी है ना, समझ में आने के बाद सब इजी ही होता है, पता है? नहीं समझ में आने के बाद सब टफ दीजिए, टफ ही टफ लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। समझ आ गया सर, ऐसे और दीजिए, इसी टाइप पे और करवाइए थोड़ा लॉग। हाँ मजा आ रहा है, नहीं क्वेश्चंस हो गए सर, दीजिए सर। देखो सबसे पहले अंदर वाले लॉग के बारे में बात कर लो, इसके बारे में बात कर लो, इसका वैल्यू क्या अपन बोलेंगे वन से छोटा होगा, क्योंकि अगर बेस टेन होता, टेन है, आर्गुमेंट भी टेन होता है, तो इसका वैल्यू आप वन बोलते हैं, वन होता है, और अभी नाइन तो कम होगा, नाइन है तो सर वन से लेस हो जाएगा, तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या बोलोगे, लेस देन वन बोलोगे? यस सर। अब सोचो लॉग टेन, सर लॉग क्या है, वन से छोटा इनपुट डाल रहे और बेस अपना टेन है, यानी कि पहला वाला ग्राफ सोचो। Yes, और पहले के वाले ग्राफ में वन पे जीरो दे रहा है, वन से छोटा पे क्या नेगेटिव दे रहा है? समझ गया। हाँ सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। ठीक है, चलो और भी सवाल है, बहुत सारा है, चलो इसको सॉल्व करो। तो आंसर लिखें। आंसर लिखा है तो क्या हो गया? है सर। तो आंसर लिखा है तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है सर, सॉल्विंग में है। हाँ इसमें देखो आपको ना दो वैल्यू गिवन है, एक तो log 2 टू द बेस 10 जो है उस वो a के इक्वल है बोला है, और log 3 टू द बेस 10 जो है वो b के इक्वल है, तो अपने को बताना है इन सबको a और b के टर्म्स में क्या होगा, इन सब का वैल्यू फटाफट बताना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। पहला का बताओ सर, आरएचएस साइड में सब लिखा है सर। अरे लिखा है कैसे करेंगे ये तो बताओ ना हमें। हाँ से बता रहे हैं प्रोसेस। हाँ
RHS साइड में लिखा हुआ है सर, पाई बाय 3 की वैल्यू सर साइन 60 की वैल्यू सर होती है गैप हो गया सब। हाँ सर गैप हो गया। हाँ तो यहाँ पे क्या इसको क्या बोलोगे 3/4? यस सर। यस सर 3/4 बोल दिए। ठीक है तो अब क्या इसको क्या लिखोगे, log 3 टू द बेस 10 माइनस log 4 टू द बेस 10 नहीं और log 3 टू द बेस 10 इसका वैल्यू तो आपको पता है b माइनस 2a और इसको क्या लिख सकते हो क्या ये 2 स्क्वायर टू द बेस 10 तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाँ b माइनस 2 log b माइनस 2 10 तो b माइनस 2a सबको यस सर। चलो सेकेंड वाला सॉल्व करो सर। ए प्लस थ्री वी ठीक है देखते हैं इसको क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 6 वी 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं यस सर 2 log इसको 3 का क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं और 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और आपको पता है ऐड ही हो रहा है ये यहाँ पे आएगा और ये m upon a वाला सर ऐसा ही बोलते हो ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है तो ये तो डायरेक्ट 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 टू द बेस 10 बोल दोगे नहीं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इनटू 3 अपॉन 2 सर ए प्लस 3b ए प्लस 3b ठीक है ए प्लस 3b बहुत बढ़िया। चलो थर्ड वाला बताओ सर लॉग 3 स्क्वायर टू द बेस 2 क्या यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम नाम का कुछ यूज होगा थर्ड वाले में? यस तो कर लो बेस चेंजिंग थ्योरम जानते हो ना। यस सर। यस सर। यस सर कुछ भी ले जैसे अपन यहाँ पे बोलते बेस 10 ले लेते हैं नहीं। यस सर। तो ठीक है बताओ क्या लिखा जाए इसको क्या 9 टू द बेस 10 अपॉन log 2 टू द बेस 10 होगा प्लस log 8 टू द बेस 10 अपॉन log 3 टू द बेस 10 होगा। यस सर। ठीक है तो अब यहाँ पे 9 दिखा तो आपको दिखा होगा 3 का स्क्वायर यानी कि 2 बाहर करोगे। अरे सबको समझ में आ रहा है या फिर कुछ लोग हैं जो यस सर 3b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन ab 2b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन ab यहां पे 2b अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस 3 a अपॉन b यही ना। यस सर। यस सर 2b स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर अपॉन ab बहुत बढ़िया सबको समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Good. चलो फोर्थ बताओ। log root 45 अब आंसर कैसे करें इस सवाल को। इसमें भी लग रहा होगा जो बेस चेंजिंग थ्योरम तो यूज लगेगा बहुत बढ़िया बेस चेंजिंग लगेगा उसके बाद ना कर लिया सर अच्छा यार उसके बाद आगे सोचो फिटनेस में नहीं आ रहा सर ये 144 को 2 टू द पावर 4 इनटू 3 टू द पावर 2 लिख लेंगे क्या था रूट 45
सबसे पहले तो आप यहाँ पे सोचो जो इसको क्या लिखा जा सकता है 144 को सर 2 log 12 to the base 10 क्या आप लिखते हो सर 2 to the power 4 12 सर 12 का स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद हाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 को अपन क्या लिख सकते हो 2 और 3 के टर्म्स में सर 2 to the power 4 into 3 to the power 2 3 power 2 बहुत बढ़िया ऐसा लिखेंगे तो देखो ये 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2 आ गया और नीचे में क्या लिखोगे क्या ये 45 टू द पावर 1 अपॉन 2 है यस सर अगर इसको आगे करेंगे तो क्या ये यहाँ पे 2 लॉग 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 और यहाँ पे बेस से 45 होगा यस सर यस सर ठीक है अब क्या बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएं तो क्या लिखोगे log 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 टू द बेस 10 अपॉन log 45 टू द बेस 10 ऐसा होगा अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो a इंटू बी वाला लगा लो तो 2 टू द पावर 4 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द पावर 2 टू द बेस 10 अपॉन में क्या लिखोगे इसको 9 इंटू 5 लिखते हो यस सर ठीक है ना 45 को आपने लिख दिया 3 का स्क्वायर क्या इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5 बोल सकते हैं यस सर बोल सकते हैं तो आप बोलोगे 3 स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 तो इसमें एक वैल्यू आपको पता नहीं है log 5 टू द बेस 10 बाकी का सब पता है आपको तो 4 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2 इंटू बी प्लस log 5 टू द बेस 10 तो अब देखते हैं किस कौन सोच पाता है जो कैसे इसका वैल्यू फाइंड किया जाए 3 प्लस 2 लिख सकते हैं 5 को तो 3 प्लस 2 लिख दोगे तो उससे कुछ होगा फायदा ही नहीं होगा फायदा ही नहीं होगा उसको माइनस 1 लिख के उसको मल्टीप्लाई सर कर सकते हैं 2 से तो 10 आ जाएगा हां सोचो सोचो सही है क्या इसको 10 आ जाएगा तो 1 से लिख सकते हैं उसे तो इसको 10 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं बहुत बढ़िया ऐसा लिख सकते हैं यस सर तो ये क्या आ गया log 5 टू द बेस 10 को अपन लिख दिए log 10 अपॉन 2 टू द बेस 10 तो अब सोचो इसको क्या बोलोगे log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस a ठीक है ना तो यहाँ पे वैल्यू रख दो yes, तो ये क्या आ गया 2 4 a प्लस 2 बी आगे तुम लोग सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे yes, 2 बी प्लस yes. 1 माइनस a क्लियर है सबको यस सर यस सर बहुत बढ़िया चलो और अगला सॉल्व करो इसको सिंप्लीफाई करो आंसर लिखा हुआ है पहले इसको हटा देते हैं फटाफट एक एक मिनट का क्वेश्चन है एक मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है बताओ कैसे होगा पहला वाला सब पहले तो 7 टू द पावर 1 हो जाएगा 7 टू द पावर सर 5 टू द पावर 1 अपॉन log 7 टू द पावर 5 को सर 7 लिख सकते हैं यानी कि तुम बेस चेंजिंग थ्योरम लगा रहे हो नहीं यस सर सर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे उसके बाद 7 को 5 से सब रिप्लेस कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा पावर देखो ये बच्चा ऐसा बोल रहा है क्या इसको लिखा जा सकता है यस सर तुम लोग पढ़े भी थे अगर 1 अपॉन log a टू द बेस b है तो इसको अपन लिख सकते हैं log b टू द बेस a ठीक है ना यस सर क्लियर है तो यहाँ से sir, अब तुमको बेस सेम दिखा है sir, दोनों का आंसर 2 आएगा यस सर शायद
तो बेस अगर सेम दिखा है तो इसको बाहर क्या अपन सेवन के इक्वल लिखेंगे सर? यस सर। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ। टू ही आएगा सर, करेक्ट। टू ही आएगा, हाँ टू ही आएगा। अब देखो ये वन अपॉन माइनस लॉग और 0.1 को क्या लिख सकते हैं, क्या 10^-1 लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये माइनस वन आगे आएगा तो क्या 1 upon log 10^10 होगा और इसका वैल्यू क्या 1 होगा? यस सर। अब सोचो 7+1 क्या इसको अपन बोल सकते हैं? अब ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7+1 यानी कि 8 का 8^1/3, इसको तो आप 2 बोल दोगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलो ये सॉल्व हो गया। यस सर। सेकंड वाला बताओ। सेकंड कैसे होगा? तो पहले पॉइंट्स हटा लेंगे सर 0.125 को। यस सर। सही। जीरो ऊपर लगा देंगे। 1000/125 हो जाएगा सर। तो सर इट आ जाएगा, ये बोल रहा है जो 1 अपॉन ये जो 0.125 है अगर इसको हटाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1000 को आप क्या लिख सकते हो और यहाँ पे नीचे में 125 है, इसको अगर कैंसिल आउट करें तो 8 आएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो अब सोचो इस 8 के पावर में कितना है? 2√2 हो जाएगा सर। 1/2 और उसके पावर में क्या 1/2 है? 1/2 है। तो सर 1/4 log 8 बेस 2 हो जाएगा सर। 2^1/4 सर, 2^354 लिख सकते हैं और 0.7 है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। और इसको क्या अपन लिख सकते हैं 2^3/4? ठीक है ना? यस सर। तो हमने इसका वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब ये दे देते हैं log 2 को। अगर log 2 को सबको समझ में आ रहा है ना यार? हाँ सर। यस सर। टू टू द पावर 3/4, यहाँ पे 2 है, इसका वैल्यू कितना होगा? क्या ये 3/4 होगा? यस सर। अब लास्ट वाले को दे दो। यस सर। दोनों बराबर होगा तो बनाएगा 3/4 और ये भी क्या है 3/4 ही तो है। यस सर। 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा सर। सबको क्लियर है? वंशिका सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है रिकॉर्डिंग के लिए, क्या क्लास नहीं करती है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड देखने दो कौन कौन क्लास में है। सर मैं हूँ। सर मैं भी हूँ। नहीं है ये रिकॉर्डिंग के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, रिकॉर्डिंग चाहिए, क्लास नहीं कर रही है। चलो थर्ड वाला बताओ। थर्ड कैसे होगा सॉल्व? तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा लेंगे सर। नहीं सर, वही हो सकता है। ओके सोचो, पहले थोड़ा सा अपने को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इस वन का क्या किया जाए? पहले निकल सर 1/49 को 7 की पावर -2 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, सही सोचे हो। 2 × 7 हो जाएगा सर। सही सोच रहे हो। थर्ड में क्या था? 1/49 to the power 1+log 2 to the base 7, यही है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 1/49 और इसको एक बच्चा बोले सर ऐसा कर लेते हैं log 7 to the base 7 तो लिख ही सकते हैं। यस सर। क्योंकि बगल में बेस 7 वाला है तो यही सोचेंगे। तो अब देखो क्या लिख सकते हो, क्या 1/49
टू द पावर, क्या ये लॉग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 14 टू द बेस 7 यस सर. ठीक है, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं, जो ये तो 7 टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पे लॉग 14 बेस 7 तो ये तो दिख रहा है जो 7 7 एक ही माइनस 2 फैमिली का है, तो 14 ले आओ नीचे और इसको भेज दो ऊपर. 7 टू द पावर माइनस 2 और ये 7, तो क्या बोल सकते हो ये 14 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा. माइनस 2 आएगा सर. और ये 1 अपॉन 14 का स्क्वायर और 1 अपॉन 196. क्लियर है? यस सर. चलो और अगला वाला को भी, अगले वाले को भी कर लो. तो इसका वैल्यू तो सिंपल सा है, जीरो आएगा सर. जीरो जीरो आ रहा है सर. जीरो आ रहा है. इसके बारे में बोल रहा हूं, इसके बारे में क्या यहाँ पे ये जो 5 के पावर में माइनस 1 है वो अगर लिखोगे सिंपलीफाई करोगे तो ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा. यस yes. तो 5 के पावर में कितना हो जाएगा? लॉग 7 टू द बेस 5 होगा तो 7 आ जाएगा. इसको 7 लिख दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 203 196 प्लस 7. ठीक है ना? एलसीएम में ऊपर ले. मुझे भी नहीं आया, समझाओ. सोचो सोचो. सही, पहले तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. हाँ, क्या इसको अपन ऐसा लिखें 5 बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया अपने? 5 नहीं, बेस चेंजिंग थ्योरम नहीं लगाया. और माइनस पहले से है, क्या इसको अपन यहाँ पे 5 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं? माइनस माइनस समझ. अब ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर लॉग 7 आ जाएगी सर. 7 आ जाएगा सर. 7 वैल्यू आ जाएगी सर इसकी. ठीक है ना? तो बस 7 आ जाएगी. ठीक है सर, पहला पार्ट भी समझा दीजिए सर. वो जो सर ये है सर, 1/49 रेज़ टू द पावर 1 प्लस लॉग 7. कहाँ थे? यहीं था सर, नेटवर्क चला गया था, मतलब कॉल आ गई थी. चलो देखो यहाँ पे बेस क्या है? 7 है और 1 है ना, तो इसको अपन ऐसा करते हैं जो लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसका बेस 7 रखे. यस सर. तो क्या अपन बोलेंगे ये 7 टू द बेस 7 हो जाएगा, लॉग 7 टू द बेस 7. यस सर. यस सर, ऐसा बोलोगे. अब सोचो ये लॉग ए प्लस लॉग बी है तो ए इंटू बी हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा. यस सर. ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो 1/49 को? क्या 7 टू द पावर माइनस 2 बोलोगे? यस सर. ठीक है, जैसे ही आपको ये बेस और ये वाला बेस 7 जैसा दिखा तो क्या इसको उठा के ऊपर ले जाएं और इस वाले को नीचे ले आते हैं? अरे ऐसा करोगे? यस सर. ये वाला प्रॉपर्टी याद है? वही भूल गया, इसीलिए नहीं हो रहा था सर. तो 14 नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तब तो आपको दिख रहा है जो माइनस 2 आगे आ जाएगा. यस सर. और फिर ये लॉग 7 टू द बेस 7 तो ये क्या हो जाएगा? यस सर, अब हो गया. ठीक है चलो, बहुत बढ़िया. चलो फोर्थ वाला बताओ. जीरो जीरो होगा सबका. जीरो होगा सर. जीरो होगा सर. जीरो सही, जीरो होगा. कैसे होगा सर? 5 को नीचे कर देंगे, 7 को ऊपर कर देंगे फर्स्ट वाले में. तो ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे? इस वाले से सर. वही लास्ट वाले और सेकंड वाले को भी सर इधर कर देंगे. 7 को नीचे, 3 को ऊपर कर देंगे, सेकंड एंड लास्ट हो जाएगा. सबको समझ में आया क्या? यस सर. आज तुम लोग को होमवर्क बहुत ज्यादा मिलने वाला है. सबसे पहले तो लेक्चर अच्छे से, अभी जो पढ़े हो इन सब सवाल को सॉल्व करना है. ठीक है ना? खुद से सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ, खुद से सॉल्व करना है. और उसके बाद जो होमवर्क मिलेगा उसको भी सॉल्व करके मतलब पीडीएफ सेंड करना है. होमवर्क कितना देंगे? देंगे अच्छा पीडीएफ. ग्रुप पे सेंड करना सर आपको, पर्सनल पे? नहीं नहीं, ग्रुप पे. वो जो मैथ्स वाला जो ग्रुप बना है वो इसीलिए तो बना है सर. मैं एडिट नहीं हूं सर. कब तक सेंड करना है? मैं भी नहीं हूं सर. मैथ्स का कोई इंडिविजुअल ग्रुप थोड़ी ना है.
हाँ इंडिविजुअल बना है, बना है, आज बन गया सर, ऐड कर लीजिएगा प्लीज मैम, सर हमको भी ऐड कर दिएगा सर, हम मैम को मैसेज कर देना है, ठीक है ना, ओके सर, यस हाँ सर, हाँ बोलो, कब सेंड करना है होमवर्क, कब तक सेंड करना है, कल कल सेंड कर देना है सर, कल शाम तक टाइम दीजिए सर, थोड़ा तो टाइम दीजिए, मैं सुन के सेंड कर दीजिए, हेलो ये वाला चेक करेंगे, हाँ हम चेक करेंगे ना, देखेंगे कौन क्या किया है, ठीक है सर, हाँ देखो एक तो जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऐसा नहीं जो अगर सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए, ऐसा नहीं, हमें दिखना चाहिए जो आपने ट्राई किया है, चाहे वो कट भी हुआ है तो चलेगा, हमें इतना दिखाना है जो आप तीन चार स्टेप तो सोचे हो, ऐसा नहीं जो सर हमें तो ये सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन लिख के यहाँ पे खाली छोड़ दिए, अगला क्वेश्चन लिख के फिर उसको खाली छोड़ दिए, ये नहीं चलेगा, समझे? यस सर, हाँ कम से कम ट्राई करना है, जितना हो रहा है फाइट मारना है, जब तक मैथ मैथ के सवाल से लड़ोगे नहीं ना, तब तक ना तो तुम मजबूत होगे ना तुम मैथ सीखोगे, ठीक है ना, यस सर, चलो इस सवाल को सॉल्व करो, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला, ये सवाल सॉल्व करो, तो सवाल आपने लिख लिया क्या क्वेश्चन? यस सर लिख, सर नहीं लिखा, हाँ एक बार लिख लो, तो देखते हैं कौन कौन क्लास में है, कौन कौन गायब है, फोटो ले लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है ना सर, इसको उसमें वो कर देंगे सर, बेस सेम बनाना होता है, सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा सर, ऊपर कर देंगे सबको, बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो आपने वो क्या करना है, बेस सेम, अगर क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है हर में बेस क्या था, सेम था, याद है, किसी का बेस अलग नहीं था, बेस सेम वाला था, तो अपन तभी उस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे जब बेस सेम होगा, सबसे पहले आप बेस सेम बनाओ इसमें, तो बेस को n बना लेंगे, हाँ बेस को n बना लो, n बन जाए, लॉग ऊपर भेज देंगे सर, हो जाएगा सर, लॉग ऊपर चले जाएगा सब में, बिल्कुल करो सॉल्व करो, लॉग ऊपर, क्लास देखो सबको अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, बाद में उसको देखने के लिए जब समझ में नहीं आए तो कभी कभी सर डिस्कनेक्ट जाता है उसके लिए, तो बताओ ये सवाल सॉल्व हो गया? यस सर, लॉग सर बेस 7560 ब्रैकेट में सर 16 × 27 × 25 × 7 अपन ने पढ़ा ही है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सर, अब हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब क्या लिख सकते हो, लॉग क्या ये 2 to the power 4 × 3 to the power 3 × 5 to the power 2 × 7 to the base n, ऐसा बोलोगे? यस सर, यस सर,
सर वही आ जाएगी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी, सेम आ जाएगी, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा सर, वन इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना, वन बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 75600 और नीचे भी वही है 75600 क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर। हाँ बोलो, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है सर? बेस चेंजिंग थ्योरम। बिल्कुल, ए टू द बेस बी को अपन बोल सकते हैं वन अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, ठीक है ना। चलो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन करो। तो सेकेंड वाले में जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो क्या होगा? ऊपर कर दीजिए सर, देखने ये प्रॉपर्टी यूज होगा इसमें। यस सर। अब सॉल्व करो। और देखो कोई सा भी आप लोग जो लेक्चर नोट्स बनाते होगे ना, Yes, तो हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ना तीन चार पेज तीन पेज छोड़ दिया करो। किसके लिए छोड़ना है? तो जो भी आपको लगे ना जो की पॉइंट जो अपने को याद रखना ही रखना है, मतलब अपन भूल जाते हैं फॉर्मूला टाइप का, तो वो स्टार्टिंग के पेज पे ना लिखते रहना है, लिखते जाना है डेली। जैसे आज पढ़े तो आज आपको लगा थ्री इसका आंसर नहीं, थ्री नहीं है, नहीं नहीं थ्री नहीं होगा। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या था लॉग, ठीक है, टू थ्री फोर, यहां पे लॉग है और यहां पे इसका बेस थ्री है, फिर यहां पे लॉग है इसका बेस फोर है, यहां पे एक्स है। ये लॉग के अंदर में लॉग है नहीं? देखो जिसका बेस टू है उसका आर्ग्यूमेंट ये है, नहीं ऐसा बोलोगे? और जिसका बेस थ्री है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? ये वाला है लॉग एक्स, लॉग एक्स टू द बेस फोर। और जिसका फोर है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स है, एक्स है, क्लियर है। तो आपको पता है जैसे यहाँ पे आप ऐसा सोच लो लॉग यहाँ पे टू है और ये डब्बा है और इक्वल्स टू राइट साइड में के है या जीरो जो है, तो डब्बा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? टू टू द पावर के लिखोगे? बिल्कुल। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ये जो डब्बा है बेस थ्री है और आर्ग्यूमेंट में लॉग एक्स टू द बेस फोर है, इक्वल्स टू आप लिखोगे टू टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन हो जाएगा, वन होगा सर, ठीक है। अब सोचो यहां से फिर से अगर सॉल्व करोगे तो उस डब्बे में क्या रखा हुआ है? एक्स टू द बेस फोर है और ये थ्री टू द पावर वन होगा, तो ये थ्री हो जाएगा, तो बताओ फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स इक्वल्स टू फोर टू द पावर थ्री लिखोगे? बिल्कुल। अब देखो क्या है, थ्री फोर टू है बेस। अगला स्टेप अगर सॉल्व करें अगला पार्ट y equals to 2 raise to the power 4 आएगी सर सिंपलीफाई करने के बाद, तो 16 आएगी भाई की वैल्यू से, और सर z की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर। यस सर, यही आ रहा है सबका? यस सर। सर 89 ये 0 है तो इसको अपन बोल सकते हैं log 4 सॉरी log y to the base 2, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0 यानी कि 1 होगा। फिर यहां से क्या बोलोगे आप इसको सॉल्व करोगे तो log
y टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1 बोलोगे, फिर यहां से y इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 2 टू द पावर 4 बोलोगे, ठीक है ना, चलेगा सर? हाँ हाँ बोलो सर। हाँ सर बता रही सर, ऊपर तो आपकी वॉइस कट हो रही थी सर, उसमें हम समझ नहीं पाए सर, ऊपर बता दीजिए हल्का सा। अरे देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। यस सर समझ गए इतना। हाँ तो अब हमने बोला जो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, क्या अपन बोल सकते हैं, जो हमने बोला log box to the base 2 है equals to k है, तो क्या box equals to 2 to the power k लिखेंगे? Yes sir। तो इस box में सोचो ये वाला येलो पार्ट में जो भी लिखा हुआ है ना वो वाला है। Yes sir। Yes sir, तो क्या 2 to the power 0 बोलोगे, ऐसे ही चलते हैं। समझ गए। Good। Yes sir। मतलब उसको बारा compare करते जाना। हाँ जेड वाले में क्या है 4 2 3 है, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है इक्वल्स टू 0। तो क्या अपन इसमें बोल सकते हैं जो log यहाँ पे z टू द बेस 3 ये किसके इक्वल होगा, 4 टू द पावर 0 यानी कि 1 के इक्वल होगा। फिर आप क्या बोलोगे log z टू द बेस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टू द पावर 1 होगा यानी कि 2 के इक्वल होगा। फिर आप क्या बोलोगे z इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 यानी कि 9 के इक्वल होगा। तो अगर x प्लस y प्लस z करते हो तो ये कितना आ रहा था, 89 आ रहा था, नहीं यही आंसर होगा। क्लियर yes, है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा है। यस सर। और सवाल करो तो इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। इसने बोला सपोज n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, लेट ए एन इक्वल्स टू दिस, देन सपोज b इक्वल्स टू ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव एंड c इक्वल्स टू, ऐसे ही लिखा हुआ है तो अपने को बताना है b माइनस c क्या होगा, कैसे करोगे सॉल्व बताओ कोई? सर बेस सेम कर लेंगे सर, log 2002 टू द बेस n लिख देंगे फिर सर b में वैल्यू। यस सर बेस सेम कर लेंगे, क्या जाएगा बेस सेम कर लेंगे सर, इसमें सर a2 into a3 into a4 into a5 ऐसा कर ले और सर c का हो जाएगा। यस सर सही है, गुड सर, a2 a3 a4 a5 की सर वैल्यू रखेंगे सर मल्टीप्लाई हो जाएगी सर, बिल्कुल बिल्कुल c की निकाल लेंगे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। तो b इक्वल्स टू अपन बोल ही सकते हैं क्या हो जाएगा, a2 यानी कि यहां पे 2 नहीं और a3 yes, मतलब यहाँ पे 3। अरे सब समझ पा रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ कोई कुछ नहीं आया no. तो जो ये पुराना क्वेश्चन जो किए थे ना उसी टाइप का है। देखो इसमें an है तो यानी कि बेस में n है, तो ऐसा इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से अपन बोल सकते हैं, जो ऐसा लिख लेते हैं। हाँ ये लिखने में किसी कोई दिक्कत नहीं है? सर। अब सोचो यहाँ पे a2 है तो n के जगह पे 2 होगा ना, a2 का मतलब क्या? समझ गए सर। ये 2 और यहाँ पे 2002 ऐसा बोलोगे? यस सर। ऐसे ही c का वैल्यू फाइंड कर लो फिर माइनस कर दो, तो c इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, log 10 टू द बेस 2002 सर, आंसर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। यस सर। सही। ट्वेल्व टू द बेस 2002 प्लस लॉग 13 टू द बेस 2002, तो इसमें जो की पॉइंट था ना वो क्या था, यही बेस चेंजिंग था थ्योरम, ठीक है ना। अगर ये आ गया तो आगे तो सिंपल सा सवाल है ना, अपने को क्या करना है b माइनस c करना है, तो b माइनस c करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या अपन बोलेंगे अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 11 12 13 और 14 होगा। यस सर।
होगा। और इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा बताओ सर? 120 अपॉन ये करना पड़ेगा, ये गायब हो जाएगा, इससे ये गायब हो जाएगा, तो क्या अपने को यहाँ पे दिख रहा है लॉग 2002 11 13 14 सेम आ रहा है नहीं 202 टू द पावर माइनस 1 नीचे में क्या है 202 माइनस 1 सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो आज जो भी पढ़े हो इसको जाके खुद से पहले क्वेश्चन करना सब, और थ्योरी लॉग इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा जल्दी सर। हाँ हाँ वो तो भेज ही देते हैं, अभी तो तुम्हारा क्लास भी है ना? हाँ सर फिजिक्स। हाँ चलो बाय, गुड नाइट। लॉग वाला जो लॉग का इनक्वालिटी वाला छोड़ के लॉग का सारा सवाल सॉल्व करना है। हाँ बोलो मॉड्यूल से सर। हाँ मॉड्यूल से होमवर्क भेज देते सर, तो कितनी है ना सर? क्या सर आज होमवर्क भेज दे पीडीएफ करके तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि दो ही क्वेश्चन बचे हैं सर मेरे पास। सबसे पहले तो अभी जो भी मैंने सवाल मतलब क्लास में किया है ना सॉल्व, यस सर, इसको सबसे पहले लेक्चर नोट्स पे अच्छे से लिखना है, खुद से सॉल्व करना है। ओके सर। हाँ सर खुद ही। हाँ क्या बोले, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें? यस सर। हाँ बोलो पहले। और पहले यस।